हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और जुम्मा मुबारक हो, रमजान का फर्स्ट जुम्मा, और हम कहाँ जा रहे हैं। तो रमजान का फर्स्ट जुम्मा था और जो है ना सारे रोज़े तो हम घर में ही जो है रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। तो फर्स्ट जुम्मे का यही होता है कि जुम्मे वाले दिन मस्जिदों में बहुत ही ज़्यादा रश होता है, सारे लोग आते हैं क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो फिर फ्राइडे वाले दिन जो है ना एक जुम्मे की बरकत भी होती है। तो मेरा भी यही था कि हम लोग जो है ना मस्जिद में जाके जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ें और रोज़ा इफ्तार करें। जुम्मे के टाइम तो खैर नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं, स्कूल से आते करते वो टाइम नहीं बचता। तो हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही जो है ना यहाँ पे काफ़ी पुरानी मॉस्क है और यहाँ पे हम लास्ट ईयर भी आए थे, इफ्तारी हम लोग ने यहाँ पे की थी। और जो है ना मॉस्क का नाम दारुल हिजरा है और यहाँ पे काफ़ी अरेंजमेंट होता है लेडीज़ का, जो है काफ़ी लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। इवन के मुझे याद है लास्ट ईयर हम लोगों ने ईद की नमाज़ भी इधर ही पढ़ी थी। तो यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में जो हम लोग रहते हैं, बच्चों को अपने कल्चर से अपनी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए फिर मस्जिद में लाना ज़रूरी होता है। जिस तरह ये रोज़ा जब इफ्तार होता है सब बैठे होते हैं इकट्ठे और इफ्तारी हो रही होती है, उसके अलावा बाजमात जब नमाज़ पढ़ी जाती है, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को इन टच रखने के लिए, जो ये तो बच्चे कभी भी पाकिस्तान गए नहीं है, जब से इधर ही पैदा हुए हैं इधर ही रहे हैं, एक दफ़ा भी ये लोग इन्होंने देखा नहीं है पाकिस्तान। तो इस कल्चर से फिर जोड़ने के लिए ना फिर यही बेटर होता है कि रमज़ान के महीने में तो लाजमी जो है ना बहुत ही अच्छा फिर सवाब भी मिलता है मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने का और इफ्तारी भी। तो ये सारे फिर बच्चे इंजॉय भी करते हैं, बच्चों को पता भी चलता है। अब मन्हा ने जो स्कार्फ़ भी लिया उसको पता, वो सारी देख रही थी, छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, उन सब ने स्कार्फ़ वगैरह किए थे, उसको अच्छा फील हो रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, उसको ये तो पता है हम मुस्लिम हैं, सारा चीज़ें वैल्यूज़ वगैरह माशाल्लाह सारा भी पढ़ती है। तो वो हर चीज़ जो है ना बच्चा फिर नोट करता जाता है और फिर बच्चा जो है ना उसको अडॉप्ट करता है। तो जो है नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी, रोज़ा खुल गया था और जो है ना बाजमात नमाज़ पढ़ने का भी बड़ा जो है एक सवाब भी मिलता है और मज़ा भी आता है। और उसके बाद जो है इफ्तारी का टाइम होता, बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का रश था, पूरी मस्जिद फुल हो चुकी थी, लेडीज़ भी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि फ्राइडे था ना और सुबह छुट्टी थी, इसलिए बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ थी, लोग फिर यही फ्राइडे सैटरडे लाजमी आते हैं। तो यहाँ पे जो है खाने में बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का इनका खाना था, उसमें जो है ना चिक पीस, चने और कोफ्ते थे और राइस थे और डायरेक्ट ये खाना ही देते हैं। तो ये हम लोगों ने खाया जो है ना, इफ्तारी हमने की साथ, मैंने जो है चाट बनाई हुई थी वो साथ बच्चों के लिए रखते, मैंने कहा ये ना कि इनको कुछ चाहिए तो फिर ये चीज़ साथ होनी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह मैंने साथ रखा हुआ था और कुछ चीज़ें मैंने साथ ली हुई थी। बच्चों ने जो है ना यहाँ के ही शौक से खाएं क्योंकि सब खा रहे थे सबके साथ, उनको भी यही होता है कि जो सब खा रहे हैं ना बस वही खाएं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे इफ्तारी की और इफ्तारी करने के बाद जो है यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी और बच्चों ने भी इंजॉय किया, बच्चों को भी अच्छा लगा। और फिर बच्चों ने जो है ना यही जो है जूस वगैरह अपने लेके गए हुए थे वो पी रहे थे, खाया पिया और इंजॉय भी किया और देखा भी सही कल्चर को। और फिर कह रही थी कि हम फिर आएंगे, हम डेली क्यों नहीं आ रहे, तो उसको बताया कि नहीं हमने स्कूल भी जाना होता है और ये कि कभी कभार फ्राइडे, एवरी फ्राइडे जो है ना, मेरा तो ये है कि एवरी फ्राइडे जो है किसी ना किसी न्यू मॉस्क में जाके, अमेरिका में तो जहाँ पर हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, तो यही मेरी कोशिश हो कि डिफरेंट हर फ्राइडे डिफरेंट मॉस्क में जाके आप लोगों को भी दिखाऊँ कि यहाँ पर जो है मुसलमान कैसे रहते हैं और कैसे जो है ना वो रोज़े खोलते हैं, मिल के इकट्ठे होते हैं मोस्टली जो है फ्राइडे और सैटरडे संडे। तो इन दिनों में मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको भी सारी जो है ना दिखाऊंगी, इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे, बच्चे भी बहुत थक गए थे, सो गए थे बच्चे। और ये जो है ना सुबह सहरी का टाइम, और सहरी में जो है ना कल जो मैंने अपना जो है बनाया था फ्राई ब्रेड
जो है एग बनाया था ना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रहा था, यानी हैवी रहा था, प्रोटीन जो है ना वो सही रही थी। और पता है जो शुगर वाले होते हैं ना, अगर वो प्रोटीन खाएं तो उनकी शुगर बैलेंस रहती है, अगर ना खाएं तो फिर वो ड्रॉप या हाई हो जाती है, तो प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे यही था कि आज भी जो है ना एग की कोई ना कोई फॉर्म होनी चाहिए, जो है ना एग खाना लाजमी है। फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाते हैं। आज मैंने जो है ना टमाटर लिया, हाफ़ टमाटर, बल्कि हाफ का भी हाफ ही डलेगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी करे ना तो टमाटर जो है पानी भी छोड़ता है, तो वो थोड़ा सा ढीला भी हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी थी, इससे थोड़ी कम क्वान्टिटी डालें तो फिर सही है। तो सेम वही फ्राई एग ही होगा, लेकिन जो है ना साथ टमाटर के साथ प्याज वगैरह बाकी चीज़ें मैंने नहीं डाली। टमाटर थोड़ा खट्टा होता है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये क्वांटिटी ज़्यादा, इससे थोड़ी कम क्वांटिटी हो तो वो भी सही रहेगी। तो बस इस टमाटर डाल के थोड़ा सा टमाटरों को कर लेना है, थोड़ा इनका पानी सूख जाए, और साथ ही जो है ना ये एग डाल देना, और इसको जो है बस अब लो, मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है ना इसको हम बना लेंगे। और ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा, वन से भी थोड़ा स्पून आप डाल लेना, उसमें हो जाता है। नॉन स्टिक पैन है तो उसमें तो लगता भी नहीं है नीचे, और बन भी जाता है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा। तो ये बस जो है लो टू फ्रेम मैंने फ्रेम पे रखा था, और ऊपर जो है ना मैंने कसूरी मेथी डाल दी, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है ना आता है कसूरी मेथी का। और उसके अलावा जो है ना मुझे जो है लहसुन का जो टेस्ट है ना बहुत ही पसंद है अंडे के ऊपर। वैसे जो है ना हम लोग जब गांव वगैरह जाते थे, या एक मुझे अंडा याद है देसी घी में बनता था, प्याली के अंदर, स्टील की प्याली के अंदर, वही चूल्हे पे प्याली रखी जाती थी, उसमें ज़्यादा सारा देसी घी होता था, उसमें जो है ना फ्राई वाला अंडा डाल के ऊपर ऐसे लहसुन डाला जाता था, मेरे फादर को बहुत पसंद था मुझे याद है, तो मैं भी वो खाती थी। तो इसीलिए जो है ना उधर से मुझे ये आदत पड़ी हुई है कि फ्राई एग के ऊपर लहसुन डाल के उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है वो खाने का। तो मैंने जो है ना एंड पे फिर इसके ऊपर लहसुन भी डाली, और थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर जो है ना, काली मिर्चें भी डाल दी, और नमक मैं नहीं डालती। तो ये डाल के अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, और ये साइड चेंज हो गई क्योंकि टमाटर ज़्यादा थे तो वो थोड़े से बाहर निकल आए। अगर आपकी टमाटर जो है ना कम क्वांटिटी हो तो फिर बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि अंडा जो है ना वो साथ जुड़ जाता है, जब ब्रेड के अंदर आप डालते हैं और वो नीचे से पक जाता है ना तो साथ बिल्कुल जुड़ जाता है, अलग नहीं होता। लेकिन अगर टमाटर जो है ना, टमाटर पानी छोड़ते हैं इसलिए थोड़ा सा जो है वो ढीला ढीला सा है। तो बस इसकी जो है दोनों साइड चेंज करके इसको एक दो दफ़ा दोनों साइड्स को चेंज करना और बना लेना है। और आपकी अपनी चॉइस है, ज़्यादा जो है हाई फ्लेम जो है, कुछ लोग जो है फुल जो है ना सही पका हुआ खाते हैं, और कुछ जो है वो हाफ फ्राई खाते हैं। मैं उनमें से हूँ जो वेल को पूरा जो है ना अच्छी तरह पका हुआ, कोई ज़रा सा भी जो है ना कच्चा जायका ना आए, तो मैं पूरा वेल कुक्ड खाती हूँ। और ये बस मेरा जो है ना वो रेडी हो गया। अभी भी मैं दबा दबा के खा रही हूँ कि उसका जो अंदर से है ना ये ना कि नीचे से कच्चा रह जाए, क्योंकि जो टमाटर डाला है टमाटर के ऊपर डाला है, तो मुझे ये मेक श्योर करना होता है कि वो अच्छी तरह अंडा जो है ना वो पक जाए। तो बस उसको थोड़ा सा प्रेस करके भी करेंगे ना तो टमाटर का पानी और अगर थोड़ा बहुत जो रह भी गया होगा वो भी सही हो जाएगा। तो अभी लो मीडियम टू लो फ्लेम पे वो भी पड़ा है, और साथ मेरी चाय रेडी हो गई थी, और बस साथ चाय का कप होगा। और मेरी तो यही जो है ना सहरी में मैं तो यही खा रही हूँ, क्योंकि जो है इससे सही रहता है, हैवी भी हो जाता है, और एग से वही आपका जो है ना शुगर लेवल भी बैलेंस रहता है, प्रोटीन जो होती है। तो बस ये रेडी हो गया, और जो है बैठ के सहरी करेंगे। तो आई होप सो आज की वीडियो को आप लोगों ने इन्जॉय किया हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।